हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m 3m+1। ठीक है, क्वेश्चन के सलूशन में आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, मैं देखता हूँ उस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं आप सबको। ठीक, तो इस क्वेश्चन को पहले आप समझें। जैसे कि आप सब शायद जानते ही होंगे अब तक, तो क्वेश्चन नंबर 4 था ये कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। नहीं भी जानते हैं तो एक बार मैं आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शॉर्ट में बता दूं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, एक बार आप लिखते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं जो हमारा डिविडेंड है, b जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो हमारा डिवाइजर है, q है कोशेंट और r है रिमाइंडर, और फिर है वेयर रिमाइंडर इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो बट ऑलवेज लेस देन बी। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ 3m 3m+1, जैसे हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, एक आप नंबर ले लें 7, एक आप नंबर ले लें 8, एक आप नंबर ले लें 9, एक आप नंबर ले लें 10। तो जब आप 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा 2, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। अभी हमें रिमाइंडर से मतलब, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। फिर आपने 8 को जब 3 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कुछ भी आए, रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। जब आप 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। फिर जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। वैसे आप 11, 12 जहां तक हो वहां तक आप नंबर लेके देख सकते हैं, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा या तो 0 या तो 1 या तो 2। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि आप किसी भी नंबर को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचता है या 1 बचता है या 2 बचता है। मतलब नंबर्स ऐसे ही कुछ हो सकता है जो या तो पूरा 3 से कट जाए, मतलब 3q, या तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता हो जिसे आप 3q+1 बोलते हैं, या 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता हो जिसे आप 3q+2 बोलते हैं, और किसी तरीके का कोई नंबर होता नहीं है, ये हम जानते हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आप किसी भी नंबर के स्क्वायर को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो वो 3m होगा या 3m+1 होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या 0 बचता है या 1 बचता है या 2 बचता है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि आप नंबर को तो डिवाइड कर लें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब आप उस नंबर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, इसे आप 3m+0 समझ लें, या फिर रिमाइंडर 1 बचेगा 3m+1। यहाँ पर 3m+2 नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये आपको दिखाना है इस क्वेश्चन में कि आप किसी भी नंबर के स्क्वायर को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 नहीं बचता है। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, मैं देखता हूँ कि बहुत लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और केस 1 और केस 2 में सॉल्व सोल्यूशन कंप्लीट कर देते हैं। मैंने यूट्यूब में अभी मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे एक सोल्यूशन दिखाया था, वो दिखा रहा था कि एक चैनल है जिसके अंदर 3-4 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन वहां पर भी इतना सिंपल सा क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन अधूरा था, कंप्लीट नहीं था, क्योंकि वो टीचर खुद ही नहीं समझ पा रही हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझना है, और भी जितने टर्म्स हैं जिस जिस क्वेश्चन में जिन जिन को जो भी दिक्कत होती है। ठीक है, मैं तो ट्यूशन सेंटर में पढ़ाता हूँ, मेरा अपना ट्यूशन सेंटर है जयपुर में, तो मैं जानता हूँ कि बच्चों को दिक्कत क्या होती है, तो मैं इस क्वेश्चन के एंड तक जो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप सबको या हो सकती हैं मैं वो सारा क्लियर करने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो नॉर्मल केस में तो रिमाइंडर 0 या 1 या 2 बचता है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा गया कि जब आप स्क्वायर को 3 से डिवाइड करो, ये 3m क्यों बोला है, b के प्लेस में आपको 3 लेना है, 3m+1 यहाँ पर भी आपको b के प्लेस पे 3 लेना है, यहाँ पर m क्यों आ गया, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 3q+1 3q+2 तो क्वेश्चन के प्लेस पे क्यों होता है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को m से रिप्रेजेंट करने बोला गया है और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर 3m+0 है और 3m+1 है, लेकिन 3m+2 नहीं है, मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन कुछ भी आए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को m से रिप्रेजेंट करना है, रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 या तो रिमाइंडर होगा 1, रिमाइंडर 2 नहीं होता है। ठीक है, एक बार आप यहाँ पर भी चेक करके देख सकते हैं ये कौन सा नंबर है, इस नंबर को आप 3q+1 बोलें, 3q+1 क्यों,
क्योंकि इस नंबर को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर होगा 49। 49 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1, ठीक है। अब ये 3 क्यूब प्लस 2 वाला नंबर है, मतलब द नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, इसका स्क्वायर कितना होगा, 64। इसे भी जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। यहां पर भी रिमाइंडर 2 नहीं बचा, ठीक है। ये कौन सा नंबर है, ये 3 क्यूब प्लस 0 वाला नंबर है, द नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 3। इसके स्क्वायर को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ये है 3 क्यूब प्लस वाला नंबर, इसका स्क्वायर होगा 100। इसके स्क्वायर को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा। इसके स्क्वायर को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 121, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। इसका स्क्वायर आएगा 144, इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं कि नंबर्स को तो रिमाइंडर 0, 1, 2 कुछ भी बच सकता है, लेकिन जब इसके स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 बच रहा है या 1 बच रहा है, रिमाइंडर 2 नहीं बच रहा है। यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने मन से कोई भी नंबर लेके देख लें, उसका स्क्वायर निकालें, उसको 3 से डिवाइड करें, वहां पर रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसी चीज को हमें प्रूव करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हेल्प से। आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। मुझे लगता है कि अब तक ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू हमेशा ये होता है कि हमें क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे याद करके जा रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, वो तो हम समझ लेते हैं, तो इस टाइप के बाकी क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, आइए। तो क्वेश्चन ने पूछा है किसी भी नंबर के स्क्वायर को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या 0 बचेगा या 1 बचेगा, है? तो कोई भी नंबर हो कैसा सकता है, या तो वो नंबर ऐसा होगा जो 3 से पूरा कट जाता है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, वैसा वाला नंबर होगा, या फिर नंबर ऐसा होगा जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, मतलब 4, 7, 10, 13, वैसा वाला नंबर होगा, या फिर वो नंबर ऐसा होगा जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है, मतलब 2, 5, 8, 11, वैसा वाला नंबर होगा। इन तीन में से कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम वो लिखते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करना है तो हम वो नंबर को ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज ऑफ द फॉर्म, ए जो भी नंबर है या तो वो 3 क्यू के फॉर्म का होगा, या फिर 3 क्यू प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या फिर 3 क्यू प्लस 2 के फॉर्म का होगा, ठीक है। 3, 6, 9, 12 वैसा वाला नंबर होगा, 4, 7, 10, 13, 16 वैसा वाला नंबर हो सकता है, या फिर वो 2, 5, 8, 11, 14 वैसा वाला नंबर हो सकता है। तो नंबर ऐसा ही हो सकता है, इन तीनों में से ही कोई एक नंबर हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखें आपको यहाँ पर दो केसेस प्रूव करना है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आपको दो केस लेना होगा। ये चीज बहुत ज्यादा गलती होती है, आप बहुत लोग ये गलती करते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो केस प्रूव करने बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भी आप दो केस लें। आपको यही दिखाना है कि नंबर में तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन जब इसके स्क्वायर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 कभी नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, नंबर या तो ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा। आप चाहे तो ये नंबर 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2 कैसे आया वो भी शो करके दिखा सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं होता है उसको शो करके दिखाने का, आप डायरेक्ट यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो केस वन, केस वन मतलब क्या, पहले केस क्या है, ए को हम 3 क्यू मानते हैं, मतलब अगर कोई ऐसा नंबर हम ले रहे हैं जो नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 3, 6, 9, 12, 15 वाला नंबर, तो फिर जब नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है तो पहले हम देखते हैं उस नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, उस नंबर के स्क्वायर को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। When a is equal to 3q, मतलब क्या, when a is a number which is perfectly divisible by 3, तो फिर a का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर होगा 3q का स्क्वायर, नंबर ये है तो इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा, तो इस नंबर का स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है, 9q स्क्वायर। जब इसके स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर, ठीक है। 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, या 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचता है, वो शो करने के लिए आपको 3 कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर जो नंबर लिए थे
थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू लेना पड़ा। अगर हम यहाँ पर नंबर्स को टू क्यू और टू क्यू प्लस वन लेते तो यहाँ से हम फिर थ्री कॉमन नहीं ले पाते, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पर थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू लेके ही दिखाना पड़ता है। और भी बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं सारे का वीडियो अपलोड करूंगा, आप सारे को चेक करें और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका ऐसा कंसेप्ट, ठीक है। तो नंबर अगर थ्री क्यों होता है तो उस नंबर का स्क्वायर ऐसा होगा, उस नंबर के स्क्वायर को जब आप थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन में बोला है कि थ्री से डिवाइड करने पर जो कोशेंट आता है उसे एम से रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में बोला होता है इसे एक्स से रिप्रेजेंट करो, एन से रिप्रेजेंट करो, आर से रिप्रेजेंट करो, तो हम वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्यू से बोला होता तो हमें यहाँ पर क्यू लिखना पड़ता, तो यहाँ पर हम क्यू की जगह कोई और क्वेश्चन ले लेते, ठीक है। आप समझ रहे हैं, इसमें भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर एम क्यू ले रहे, तो आप जो चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्यू ले लिया था तो यहाँ पर वापस आप Q तो नहीं ले सकते, और ये M आया किसकी जगह, वहां पर आपको लिख के दिखा देना है, वेयर M इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर नंबर पूरा कट जाता है 3 से तो उसका स्क्वायर भी 3 से परफेक्टली डिविजिबल होता है। अब हम सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस क्या, मतलब वैसा नंबर हो जिसे 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, तब क्या होता है। केस 2, इफ A is equal to 3q plus 1, ठीक है। अगर नंबर ऐसा है जिसे 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है तो उस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, जैसे 4, 7, 10 उनका स्क्वायर निकालेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर चेक करेंगे। तो नंबर अगर ये है तो इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर होगा 3q plus 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा a plus b होल स्क्वायर, a plus b होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर plus 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। मतलब अगर नंबर ऐसा है विच लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तो इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ये। जब आप इस नंबर का स्क्वायर निकाल चुके हैं तो जब आप इस नंबर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो चेक करना है। तो इतना पार्ट तो आप देख रहे हैं कि 3 से कट जाएगा और ये जो 1 है वो रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेंगे तो फिर क्वेश्चन क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। और ये जो 1 था ये रिमाइंडर बच गया। तो आप चाहे तो 3q भी कॉमन ले सकते हैं, आप चाहे तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं, आपको 3 कॉमन लेना जरूरी है, आप साथ में क्यू भी कॉमन लेने कोई दिक्कत नहीं है, क्यू कॉमन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा नंबर, इस नंबर का स्क्वायर है ये, इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना तो पार्ट है जो 3 से कट जाएगा, ये 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो ये कौन से फॉर्म का हो गया, ये 3m plus 1 के फॉर्म में हो गया, जहां m किसके इक्वल है, m है 3q स्क्वायर प्लस 2q के इक्वल, ठीक है। अब क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो अब स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर अगर 0 था तो उसके स्क्वायर को आपने 3 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 0 बचा, यहां पर जब रिमाइंडर 1 था तो आपने उसके स्क्वायर को डिवाइड किया 3 से तो भी रिमाइंडर 1 बचा। तो जब नंबर के रिमाइंडर में 2 बचता है तो उसके स्क्वायर को भी 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 नहीं बचता है, यही दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो जो थर्ड केस है वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस केस का। बहुत सारे सोल्यूशन में मैं देख रहा हूँ कि थर्ड पार्ट का सॉल्व ही नहीं किया गया, इधर ही करके छोड़ दिया गया कि देख लो भाई 3m हो गया, 3m प्लस 1 हो गया, वो बिल्कुल गलत है। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई भी टीचर ऐसे दो पार्ट में आंसर को छोड़ कैसे सकता है, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है वो ही मेन पार्ट है, ठीक है। अगर नंबर का रिमाइंडर है 0 तो उसके स्क्वायर में भी रिमाइंडर 0 बच रहा है, अगर नंबर में रिमाइंडर है 1 तो उसके स्क्वायर के को भी 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब अगर नंबर में रिमाइंडर 2 हो तो भी उसके स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 नहीं बचता है, या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या रिमाइंडर 1 बचेगा, वो ही दिखाना है, ठीक है। तो हम बनाते हैं थर्ड पार्ट भाई, थर्ड केस। If a is equal to 3q plus 2, तो फिर a का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर होगा 3q plus 2 का होल स्क्वायर। यहां पर भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है a plus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर plus 2 a b plus b स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 9q स्क्वायर, ये कितना हो गया 12q, ये कितना हो गया 4। अब आप ध्यान दें, अगर आप यहां से 3 कॉमन लेते हैं
और इसको एक बार इग्नोर कर देते हैं, आप 3 कॉमन लेते हैं ऐसा, तो क्वेश्चन क्या बचता है 3q² + 4q, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 4। और आपको पता है कि आप 3 से डिवाइड जब भी करेंगे तो रिमाइंडर 4 नहीं बच सकता, रिमाइंडर हमेशा 3 से कम बचना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो 4 है इस 4 को आपको ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा 3+1 में। 3+1 में क्यों, 4 है, 4 3 तक तो 3 से कट जाएगा, उसके बाद एक नंबर और बच जाएगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो आप 3+2 लिखते, अगर यहाँ पर 6 होता तो आपको कुछ लिखने का जरूरत था नहीं क्योंकि 6 3 से डिविजिबल है, तो आप 3 को कॉमन ले लेते। अगर यहाँ पर 7 होता तो आप 6+1 लिखते क्योंकि 7 6 तक तो 3 से कट जाता है, फिर रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है। तो ये जो भी नंबर है इस नंबर में ये 3 से कटता है, ये 3 से कटता है और 4 3 तक 3 से डिवाइड हो जाता है, 1 रिमाइंडर बन जाता है। तो इस नंबर को आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा 9q² + 12q + 3+1, ठीक है। अब इतना जो पार्ट है ये तो 3 से कट जाएगा, तो वो कट होगा कैसे, वो आपको शो करना पड़ता है कॉमन लेकर। तो यहाँ से तीनों से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, जब 3 कॉमन लेंगे तो क्वेश्चन क्या बच रहा है 3q² + 4q + 1, और ये जो 1 था वो रिमाइंडर बच गया। तो ये क्या हो गया 3m + 1 के फॉर्म में, वेयर m इज इक्वल टू 3q² + 4q + 1, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है तो उसके स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। कोई ऐसा नंबर हो जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है तो उसके स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर होता है जिसमें रिमाइंडर 2 बचता है 3 से डिवाइड करने पर, जब आप उसके स्क्वायर को निकालेंगे उसके स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 नहीं बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है 1। यही प्रूव करना है क्वेश्चन में कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 3m होगा या फिर 3m+1 होगा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है b के प्लेस में जो होता है, a+b² का फॉर्मूला में जो b के प्लेस में होता है उसका स्क्वायर ही रिमाइंडर बचता है। यहाँ पर आप देखिए a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने आप हमने अप्लाई किया था तो b का स्क्वायर क्या हुआ था 1, रिमाइंडर क्या बचा था 1। यहाँ पर आप देखिए जब हमने a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो फिर b का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 तक कट जाता है, रिमाइंडर क्या बचता है 1। यहाँ पर आपके पास a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो b क्या होता है अपन 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है। ये कंसेप्ट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बनाऊंगा बहुत सारे, किसी भी नंबर के स्क्वायर को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, उसमें ये लॉजिक बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर निकाले आप, तो सेकंड पार्ट है जो b है उसका जो स्क्वायर होगा हमेशा वही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। बाकी अभी अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो बस आप ध्यान रखें, ऐसा कुछ होता है मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसमें फिर क्लियर करूंगा आपको वो सब चीज़ें। मैं ये कोशिश करता हूँ जितना हो सके आपको एक ही वीडियो में सिखा सकूँ, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में नहीं आता कि आप मेरे सारे वीडियोस को चेक करेंगे या नहीं, तो जो वीडियो बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उसी वीडियो में जितना हो सके आपको सिखा सकूँ, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको दो प्रॉब्लम्स होता है मेन, पहला प्रॉब्लम होता है कि दो ही केस दिखाना है क्या, नहीं बिल्कुल गलत है, आप समझ चुके हैं कि जो थर्ड केस है वो ही हमारा आंसर का मेन पार्ट है। सेकंड दिक्कत आप लोगों को बहुत ये भी होता है कि अगर m क्यों लेना है, यहाँ पर क्यों क्यों नहीं लेना है। आप अगर यहाँ पर m ले लेंगे आपको क्या दिखाना है क्वेश्चन में, किसी भी नंबर के स्क्वायर को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन को m से रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ पर नंबर में m नहीं लें, नंबर को आप कुछ भी ले सकते हैं, हम हमेशा क्यों लेके बनाते हैं, इसलिए हमने अभी क्यों ले लिया 3q, 3q+1, 3q+2, जब इसके स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे उस समय आपको क्वेश्चन को m से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, थैंक यू गाइस।